अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन जब कोई अपना गलत करता है तो उसे सजा देते हैं, छोड़ के नहीं जाते। आप मारे को सजा दो, जो दिल में आए वो सजा दो। पर मुझे छोड़ के बच्चा के बच्चा के बच्चा जब जहां सब कुछ जलकर राख हो जाए, तब वहां सिवाय दम घोटने वाले धुएं की और कुछ भी नहीं बचता है। हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है, और अब अगर यहां रुकी ना तो मेरा दम घुट जाएगा। कुछ भी नहीं बचा अब शिवा। अगर आप यहां से चली गई तो पता कैसे चलेगा आपने कि कुछ बचा है कि नहीं। तुझे इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत ना है। ये देख, उसकी दूसरी बीवी वहां खड़ी हुई है। रहते हुए तू उसकी जिंदगी में रहकर क्या करेगी? हाँ चल बेटा चल। मत जाइए मुझे छोड़ के। चल कनक। एक आखिरी कोशिश और करूंगी इस रिश्ते में रहने के लिए। शायद तभी पूरी तरह से इस रिश्ते से निकल पाऊंगी मैं, जब इसे दिन रात इसकी दूसरी पत्नी के सामने देखूंगी। यो तो गलती कर ही चुका है, पर तू यहां रुककर इससे भी बड़ी गलती कर रही है। मैंने आज तक और किया ही क्या है बाबा साहब? अगर सही किया होता आज ये दिन देखना पड़ता? कभी भी ठीक से एक अच्छी पत्नी की फर्ज नहीं निभाए। इसने जो किया गलत किया, लेकिन अगर आज मैं इस रिश्ते को छोड़कर यहां से चली जाऊंगी ना, तो मैं इससे कहीं ज्यादा गलत कर दूंगी। और आप ही कहते हैं ना कि दो गलत लोग मिलकर एक सही फैसला नहीं ले सकते। मासा, मैं आज अपनी इस मुश्किल इस चुनौती से दूर नहीं भागूंगी, इसका सामना करूंगी। पर ईश्वर करे तूने जो सोच रखा है वो हो। पर बेटा,
अगर वो नहीं हुआ तेरे पीहर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले। आप सभी लोगों को माता जी सतबुद्धि दे। जय माता जी की। खुश रहे। थैंक यू भाभी साहब। तुम्हें ये मेनका के साथ रहने में खुशी मिलेगी ना, तो अब तुम्हारी खुशी में सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही मिलेगी। और फिर मैं तो यहाँ पे इसलिए रुकना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। और वैसे भी तुम्हें ने कहा ना कि चली गई, तो पता कैसे चलेगा क्या बचा है। तो देख लेते, इतना सब कुछ खत्म होने के बाद क्या बचा है। काश मैं बता सकता कनक जी कि आप जो सोच रही हैं वो सही है। आपको अपने किए का प्रायश्चित करने की कोई जरूरत ना है। है जरूरत शिवा। तुमने कहा ना हर गलती की कोई ना कोई सजा तो होती है, तो मैं अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और आज तुम्हारे और मेनका की सुहाग की सेज में अपने हाथों से सजाऊंगी। नहीं कनक, तू नहीं कहा ना तू इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी, अपनाएगी शिवा को मेनका के साथ। फिर कमजोर क्यों पड़ रही है? नहीं, पहली बार ऐसी औरत देखी है जो अपने पति को इस बात के लिए माफ कर रही है कि उसने दूसरी शादी कर ली। एक मन बनाना, या तो अपने दिल में शिवा के लिए इतनी नफरत भर ले कि उसका नाम सुन के ही तेरे तन बदन में आग लग जाए, या फिर अब ये मान ले कि सारी जिंदगी के लिए तुझे शिवा की छोड़ी हुई औरत बन के रहना मंजूर है। सिर्फ इसलिए अब तो उससे बेहद प्यार करने लगी है। लेकिन ऐसा करके तू कोई बलिदान की मूरत नहीं बन जाएगी, बल्कि तुझसे बड़ी बेवकूफ कोई नहीं कहलाएगी। कह ले मुझे बेवकूफ। जो गलतियां की है उन्हीं की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी जिद और मेरी नफरत ने ही तो शिवा को मेनका की तरफ झुकाया है। जो भी हुआ उन सब में शिवा और मेनका से कहीं ज्यादा मेरी गलती है। तो अब जब वो मेनका के साथ खुश है, क्या मुझे उसकी खुशी में अपनी खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए? अगर तुझे सच में शिवा की खुशी ही चाहिए तो चली जाना उसे छोड़कर। ये तेरा फैसला गलत है। अब इसे मेरा प्यार कहो या मेरी जरा सी सेल्फिशनेस। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, नहीं रह सकती मैं उसके बिना। तो सुन, आज तू काले अक्षरों से अपनी किस्मत लिखने जा रही है।
देखिए जो तेरा फैसला है तुझे जिंदगी भर के लिए सिवाय दर्द के और कुछ भी नहीं देगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।